नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज उत्तर प्रदेश में। भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए धन संग्रह का काम चल रहा है और इस काम में सभी राम भक्त दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं, फिर चाहे इसमें फक्कड़ बाबा हो या फिर ठेले खोमचे वाले, सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपने आराध्य का मंदिर बनने का जो सपना उन्होंने देखा था वो अब पूरा होने जा रहा है। और ऐसे में चलवा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य वासुदेवानंद की मौजूदगी में कहा गया कि इस अभियान के समाप्त होते होते हम सभी को राम राज्य आने की आहट सुनाई पड़ने लगेगी। ये मंदिर अयोध्या में लाखों लोगों को रोजगार भी देने वाला है। आने वाले समय में यह अभियान भावी पीढ़ी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। जाहिर है जब राम मंदिर बनेगा तो ये एक ऐतिहासिक दिन होगा। जिस तरह से कई सालों के इंतजार और कानूनी लड़ाई के बाद जीत हासिल हुई और इसका गवाह पूरा देश बना, भविष्य की पीढ़ियां जब मंदिर को देखेंगी तो पूछेगी कि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और इसका इतिहास क्या है। इसके लिए इस इतिहास को संजोना बेहद ज़रूरी है और कहीं ना कहीं जब बच्चे अपने पाठ्य पुस्तकों में इस इतिहास को पढ़ेंगे तो गौरवान्वित होंगे कि कैसे पूरे देश ने एकजुट होकर काम किया और इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान दिया। खैर, आयोजित कार्यक्रम में शंकराचार्य भक्त मंडल प्रयागराज की ओर से वैकुंठ राम निधि हॉल छलवा में श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान कार्यक्रम में क्षेत्र प्रचारक ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने पहले एक अभियान चलाया था जिसमें 1989 में 40 दिन में 2.5 लाख गाँव में शिला पूजन किया गया था, जो एक रिकॉर्ड है। अब श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण का यह अभियान उस रिकॉर्ड को तोड़ेगा। इस अभियान में 5 लाख से अधिक गाँव में निधि समर्पण अभियान हेतु जन जन से संपर्क होगा। राम जन्मभूमि मंदिर देश के संपूर्ण हिंदुओं को जोड़ने का आधार है। आज स्थिति बदल गई है। जिन नेताओं ने जन्मभूमि स्थल पर विद्यालय, अस्पताल या शौचालय बनवाने की बात कही थी वो भी आज कहते हैं कि श्री राम के भक्तों हम भी हैं। इस मौके पर स्वामी वासुदेवानंद ने कहा कि निधि समर्पण अभियान चल रहा है, सभी किसान मजदूर इसमें सहयोग करेंगे। मजदूर का 5 रुपये का सहयोग भी बहुत मूल्यवान है। धन की व्यवस्था तो श्री राम स्वयं करेंगे। इस कार्यक्रम में BHU के कुलपति प्रोफेसर गिरीश त्रिपाठी भी आए हुए थे। उन्होंने यहाँ 1 लाख रुपये का दान दिया। इस दौरान कार्यक्रम में अतुल द्विवेदी ने संग्रहित 21 लाख से अधिक के चेक एवं 2 चांदी की ईंटें भी समर्पित की। बता दें कि मंदिर निर्माण के लिए संघ विचार परिवार की ओर से रविवार को महासंपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान में भाजपा विधायकों, मेयर समेत तमाम पार्टी पदाधिकारियों के साथ संघ और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर मुरारजी त्रिपाठी, कुटुंब प्रबंधन प्रमुख गंगा दत्त जोशी तथा सह विभाग कार्यवाह घनश्याम अग्रहरी, सेवा प्रमुख नागेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में टोलियां बनाई गई। ये टोलियां मोहल्लों, गली कूचों में पहुंची। न सिर्फ उन्होंने घर घर जाकर दस्तक दी बल्कि भक्ति के इस काम के लिए लोगों से दिल खोलकर सहयोग करने की बात कही। विश्व हिंदू परिषद ने रविवार को अभियान के जरिए 1 लाख से अधिक लोगों तक पहुँचने का दावा किया है। विहिप के मीडिया प्रभारी अश्वनी मिश्र ने बताया कि शहर दक्षिणी में शासकीय अधिवक्ताओं ने 10 गांव में जाकर संपर्क किया, शहर उत्तर में 15,000, दक्षिण में 25,000, नैनी में 10,000, गंगापार और यमुनापार में 30,000 से ज़्यादा लोगों से संपर्क किया गया। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान करें, क्योंकि कोई भी दान छोटा या बड़ा नहीं होता, बस दान करने वाले की श्रद्धा होनी चाहिए। प्रभु श्री राम के नाम पर किया गया 1 रुपये का दान भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि गिलहरी द्वारा किया गया श्रमदान। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सूबे से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूले। नमस्कार। We'll be right back.